हेलो स्पिरेंट्स, दोस्तों क्या हाल है? हाल तो ठीक ही लग रहे हैं। पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, है ना? बढ़िया। देखो, पढ़ने के साथ ना डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि खाली अगर देखो, अगर मैं पूरे दिन सिर्फ पढ़ता ही रहूँगा ना, तो बिल्कुल भी ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है? वो चार किताबें भाई, है ना, बार बार पढ़ के थोड़ा सा अपने आप को उस माहौल में ढालो कि आप ज़िंदगी को एंजॉय भी कर पाओ। थोड़ी वॉक किया करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, थोड़ा सा माहौल चेंज करने की कोशिश किया करो कि जो पढ़ पढ़ के आपको टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम की, वो थोड़ी सी कम हो। शेयर किया करो दोस्तों के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम टॉप फाइव सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारे पास है, लास्ट शायद हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के 5 बेहतरीन प्रश्न। होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग ना बेसिकली कैसे पढ़ते हो? आप लोग पढ़ते हो फॉर्मूले पे से, PRT/100 वाले से, ठीक है? मैं आज आपको कुछ ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ जिसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाना। बहुत रेयर है हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इन 5 क्वेश्चंस में। तो खैर, मैं फॉर्मूले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपको परसेंटेज वाले मेथड से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ विल वी टैकल द सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक। ओके, चलिए, और कुछ खास इंफॉर्मेशन भी आपके लिए मेरे पास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टन सम बिकम 59,200 इन 6 ईयर्स एंड ₹72,000 इन 10 ईयर्स। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, ये माफी 2% मोर, देन इन हाउ मैनी ईयर्स वुड द सम हैव बिकम ₹76,000। देखो, क्वेश्चन इज सेइंग हमारे पास कोई प्रिंसिपल है पी, या अमाउंट है कुछ भी, अमाउंट तो चलो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट हो गया। हमारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है? वो क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल के बाद वो कितने हो गए, 59,200, यानी 59,200 एंड ₹72,000 इन 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद वो पैसे 72,000 हो चुके हैं। तो चलिए, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। देखिए, प्रिंसिपल है, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं कितना हो गया, 59,000 200, ठीक है? कितने टाइम में, सिक्स ईयर्स, ठीक है, एंड 72,000 इन 10 ईयर्स, यानी अगर प्रिंसिपल को मैं 10 साल तक इन्वेस्ट करूं, सो ये कितना हो जाएगा, 72,000, ठीक है? इसका मतलब 6 साल, और यहां से 59,200 से मुझे 72,000 पे जाने के लिए कितने साल लगेंगे फिर, 6 साल। इतना टाइम आई रिक्वायर्ड। ओके, देखो, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम। मैं अगर यहां पे लिखूं एक बात, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, मतलब हर साल के लिए सेम होगा, ठीक है बेटा? तो 4 साल के लिए कितना अमाउंट मिला मुझे, कितना अमाउंट मिला आपको, 72,000 माइनस ऑफ 59,200, सो कितना हो गया, 12,800। अगर 4 साल में ये 12,800 मिल रहा है, सो एक साल में कितना मिलेगा, 3,200, isn't it? Yes. So, एक साल के लिए जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये मेरे पास क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। सो एक साल के लिए 3,200, तो 6 साल के लिए कितना हुआ, 6 × 3,200, और ये कितना हुआ, 19,200। ये क्या था मेरा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें से 19,200 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 40,000। इसका मतलब 40,000 वॉज माई इनिशियल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकल गया। अब प्रिंसिपल निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन इज सेइंग कि बेटा 40,000 को आपको कितना बनाना है, 76,000, यानी कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 36,000 का, कितने पे, 40,000 × 100%,
ये कितना आ गया 90% टोटल इंटरेस्ट मिला है। सो अगर वो कह रहा है 2% मोर, इसका मतलब शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यानी 3200 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 40,000 इंटू 100%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, 8% है। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 2% और लगा दो, तो यहाँ पे अब फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8% प्लस 2%, यानी कितना आ गया, 10% आ गया। टोटल कितना चाहिए, 90। अगर एक साल का 10 तो 9 साल का कितना आएगा, 90। ये बताओ यहाँ पे कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक बार भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया। तो ऐसे ही अपने प्रश्नों को करना है, ऐसे ही विल डू द क्वेश्चन। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years। एक्सीलेंट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम इज 1/8 ऑफ द सम, इसका मतलब इफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, इफ सम वॉज 1, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1/8, और यू कैन सी दैट अगर सम 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा, 1। सो क्या यहाँ से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, यस। कितना होगा भाई, आप कहोगे 1 का इंटरेस्ट कितने पे, 8 पे इंटू 100%, ये कितना हुआ, 12.5%। ठीक है, ये क्या हुआ, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सिम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंट, इसका मतलब ये कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर भी मैंने माना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर नंबर ऑफ ईयर्स, इसको मैंने मान लिया। क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंट, अगर रेट परसेंट मेरा आर है तो ये कितना होगा भाई, इसका आर बाय 2, और ये किसके इक्वल आ गया, 12.5 के। ठीक है, सो आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गया यहाँ से, 12.5 इंटू 2 इज हाउ मच, सो आर कितना आ गया यहाँ से, रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू हाउ मच, यानी 5%। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years, इसका मतलब अगर एक साल के लिए 5 है तो 8 साल के लिए कितना होगा, 40%। तो व्हाट इज आंसर, 40% ऑफ 15,000 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 6,000। बताइए वेयर वी यूज फॉर्मूला, विद हमने अभी तक फॉर्मूला यूज़ किया ही नहीं, इसमें करना ही नहीं, बी ए स्मार्ट प्लेयर। क्लियर, चलिए प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ए बोरोज अ सम ऑफ 90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ही लेंड इट टू बी एट 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, वट इज इज गेन। बहुत सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, देखो ए ने क्या किया, टोटल ऐसे लिखो, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय ए कितना होगा, देखो 4 × 5% यानी 5×20% हो गया, हाँ भाई 20% हो गया। ठीक है, ही लेंड टू बी, सो यहां पे अगर मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय बी, मतलब बी ने ए को जो दिया वो कितना दिया है, आप कहोगे भाई 7% गुना 4 साल कितना होगा, 28%,
प्रिंसिपल तो सेम है, क्वेश्चन में कहीं लिखा है? ए ने क्या कि 90, जैसे मैं आई हूँ, मैंने 90,000 ली, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 5% 4 ईयर के लिए। मैंने क्या किया, मैंने आपको दे दिए कि भैया ये लिए 90,000 रुपये, 7% पे दूंगा 4 साल के लिए। आपने कहा ठीक है, तो सीधा सीधा मुझे मुनाफा कितना हुआ 1 साल का, 2%, यानी 4 साल के लिए क्या हो गया 8% का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 8% ऑफ 90,000, यानी 8/100 इंटू ऑफ 90,000, 900 इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर बी 72,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 72,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज क्लियर हुआ होना भी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। स्टूडेंट्स, सी सेट इतना आसान नहीं आता जितना आप लोग समझते हो, ऐसा लगता है कि हवा में उड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ईजिली किया जा सकता था, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया भी, हमारे भी कितने सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा सर आपने जो अप्रोच बताया फाइनल डेज में हमने वही की है, कि ईजी चीज़ों को पहले पिक करो, जो मुश्किल है उन्हें शुरू में छोड़ दो, मुश्किल राह पकड़नी बाद में पकड़ो, पहले आसान चीज़ों को कवर कर लो, वहीं से नंबर बन जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स अमाउंट फॉर 7 ईयर एंड ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर इज 2500। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम देन अमाउंट इज, देखो द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 ईयर्स। देखो 7 ईयर वाले केस में अगर मैं बात करूँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, अब क्या कोई 70% आ गया, डन। सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर्स, अगर 12 ईयर के लिए बात करूँ मैं कितना आएगा, 12 × 10 यानी कितना आएगा 120%, ठीक है जी, ये 70 आ गया और ये कितना आ गया 120। वो ये कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 2500 बस। अगर आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आता था ना, क्वेश्चन हो जाता टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता तो आंसर हो जाता। सो व्हाट इज द वैल्यू 50%, इट इज हाउ मच 2500, सो सॉरी 25,000 इंटू 2 इज हाउ मच 100% इंटू 2 इज 5,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस इजी क्वेश्चन, दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। ओके सो लेट अस, चलिए द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम इज 1/25 ऑफ द सम वेयर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेट परसेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज द सम इन्वेस्टेड। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी किया, जान के लेके हम ऐसा क्वेश्चन ताकि आप लोग ट्राई कर सको, प्लीज पॉज करके ट्राई कीजिएगा, मैं इसे करता हूँ। देखिए दैट इज प्रिंसिपल और यू कैन से दैट सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल इज 1, सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच 1/25, और इफ 25 वॉज प्रिंसिपल 1 वॉज इंटरेस्ट, सो यू कैन से दैट इंटरेस्ट कितना मिला 1/25 गुना 100% 25, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, आप कहेंगे जी 4%, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वेयर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स इंटू आर परसेंट, अगर ये आ रहा है और ये भी आ रहा है तो ये क्या हो गया 4% हो गया। सो आर स्क्वायर कितना हो गया 4, आर कितना आ गया मेरे पास 2%। तो क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे मेरे पास, अगर आपको आते तो, अगर आप कर सकते तो इजी क्वेश्चन थे। आप पिटारे में क्या छुपा देखते हैं, देखिए अभी 10th of July से ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक हफ्ता ही हुआ, अभी सिर्फ कैलकुलेशन की थोड़ी सी क्लासेस हुई हैं, कोर्स स्टार्ट हुआ 10th of July से, टाइमिंग थी मेरे पास या टा है 3 से 4:30, ये ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में अवेलेबल है। 4 डेज अ वीक रहेगा, टोटल लेक्चर्स रहेंगे 180+, जिसमें 90 लेक्चर्स तो आपको क्लासरूम में मिलेंगे, यानी 50 कमांड के क्लासेस, ठीक है 25 लॉजिकल की क्लासेस और 15 आपके पास इंग्लिश की क्लासेस। प्रीवियस ईयर के एडिशनल 15 लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 50+ लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव मेंटरशिप सेशन मिल रहे हैं आपको 30, और वीकली डाउट सेशन होगा बेटा आपका जूम पे, वीकली डाउट सेशन है आपका,
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए ठीक है। इसको अवेल करने के लिए लिंक और नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रो कोर्स, इसके बारे आपको पता होगा। अच्छा नहीं पता, सुना नहीं अभी तक, मैं बताता हूँ फिर क्या। देखिए माइक्रो कोर्स वो रणनीति है जिससे बहुत इजीली पेपर को क्रैक किया जा सकता है, मतलब वो टॉपिक्स करो सिर्फ जो आपको एक्चुअली में करने हैं, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो आपको नहीं आता वो आप माइक्रो कोर्स में इजीली कर सकते हैं। सो लेट मी टेक टू देयर। चलिए बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं यहीं पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चूज एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज सी सेट, देखिए दिस आर माई माइक्रो कोर्सेस। वी हैव वन मोर फैसिलिटी, इफ़ यू वॉन्ट एनी डिस्कशन और एनी गाइडेंस यू कैन फिल योर नंबर एंड कॉल मी एंड व्हाट्सएप, जैसे आप बोलेंगे टीम विल डेफिनेटली ऐसी जुड़ेगी आपके साथ। देखिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की मैं बात करता हूँ, पूरा बंडल आपके 3657 का है, बट जैसे मुझे करना ही सिर्फ नंबर सिस्टम है, सो ऑलमोस्ट 22% क्वेश्चंस हर साल नंबर सिस्टम से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ 318 रुपये का है, इसमें 10 लेक्चर्स हैं आपके पास, 9 वेब नोट्स हैं और 401 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर भी खत्म है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन 15.23%, 4 लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स हैं और 117 MCQs हैं, जैसे परसेंटेज ऑलमोस्ट 9%, 165 4 लेक्चर्स एंड 272, एक तरह से आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। जैसे ये क्वेश्चन है कितने, 272, सपोज मैंने परसेंटेज के 4 लेक्चर्स देख लिए, वेब नोट्स कर लिए, अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ टेस्ट की सीरीज चाहिए, सो यहीं पे इन 272 क्वेश्चंस को भी आप एज अ टेस्ट रिप्रेजेंट करके दे सकते हो पोर्टल पे, ठीक है। तो दैट इज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, प्लीज़। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डू सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए अभिमन्यु आइस के साथ। थैंक यू।